अस्सलाम वालेकुम। सियासत में कुछ भौंचाल लाने वाली ख़बरें जो हैं वो आज हमारे सामने हैं। वो भौंचाल इसलिए लाने वाली ख़बरें हैं कि बाज़ मामलात ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को आज तलब किया और वो वहां पेश भी हुए, और वो APS का वाक़या है। वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर कोई भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हो तो इतना तगड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर जम के खड़े होकर ये बताए कि हाँ मैं ये एक्शन करने जा रहा हूँ, मैं ये सज़ा देने जा रहा हूँ और ज़िम्मेदारों का तयन करने जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने ताकतवर हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट, वीक गवर्नमेंट, जिसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं खड़े। जॉइंट सेशन बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ने, और जॉइंट सेशन के ऊपर ये बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को और इंटरनेट वोटिंग को। और ये कोलिशन पार्टनर्स, इनके काफ लीग हो, MKM हो, GDA हो, ये वो सेम पेज के साथ तो इनके सेम पेज के ऊपर मौजूद थे, लेकिन सेम पेज के बगैर इनके सेम पेज के ऊपर साथ नहीं बैठेंगे, ये बात तय थी। मैं गुज़श्ता रोज़ बार बार दोहराता रहा, जोर देकर कहता रहा कि ये रिस्क ले रहे हैं, इनके बंदे टूट जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के वक्त 15 जो इनके मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली थे वो जाकर वोट डालाए थे यूसुफ रज़ा गिलानी को, जब टेलीफोन कॉल्स नहीं आई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो दोबारा फ़ोन कॉल्स करवानी पड़ी, तब जाके इनके बंदे 174 तक पहुंचे थे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो APS अटैक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा और दूसरी तरफ जॉइंट सेशन का मुलतवी होना, सियासी एतबार से हजीमत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौके के ऊपर तो आज करना पड़ गया, और दूसरा विद इन 4 वीक्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट कंप्लायंस की पेश करनी है उसकी सूरत में करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो 20 अक्टूबर के हुक्मनामे को सामने रख कर देखना पड़ेगा, फिर मैं आगे आपको तफसील इसकी बताऊंगा। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो APS के वाक़े के अंदर बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे जिगर के टुकड़े शहीद हुए हैं, उनकी माएँ उनके दुखड़े सुने तो आप उनके आंसू देख नहीं सकते, तो वो उनके वालदैन की तहफ़ुज़ात हैं कि आपने छोटे छोटे चपरासी को, चौकीदार को तो पकड़ के सज़ा दे दी है, लेकिन उस वक्त के जो बड़े थे जिसका नाम लिखा है उस ऑर्डर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि जनरल राहील शरीफ, चौधरी निसार अली खान जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आला KP के उस वक्त के परवेज़ खटक, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर हिदायतुररहमान, और उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और सेक्रेटरी दाखिला अख्तर अली शाह, इनका क्या रोल है इसकी आप तहकीकात करें, अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो उसका तयन करें, और ज़िम्मेदारों को ये हुकूमत को सज़ा देनी पड़ेगी। ये 4 वीक्स के अंदर वज़ीर आज़म अपने दस्तखत के साथ अब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जनरल राहील शरीफ या बाकी लोगों का क्या रोल था। इनमें से जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इसके ऊपर एक किताब लिखी थी जनरल आसिफ नवाज के भाई जनरल शुजा नवाज साहब ने, और वो कहते थे कि PTI का जो धरना था 2014 का, जिस वक्त ये वाक़या हुआ APS अटैक वाला, उस वक्त PTI का धरना भी हो रहा था, तो उस धरने के अंदर उन्होंने बराह रास्त जो उंगली उठाई हुई है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ उठाई हुई है। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, PTI को आसान नहीं होगा ये जवाब देना, बड़ी मुश्किल है, बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे बताएंगे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, धरने के पीछे उनका रोल था या नहीं था। जनरल राहील शरीफ, आई पर्सनली फील कि बड़ा पॉजिटिव रोल था उस वक्त के आर्मी चीफ, उसने उस वाक़े के बाद इन जमातों को इकट्ठा किया और एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इनको राज़ी करवाया। नून को और PTI को इकट्ठा बैठाना आसान काम नहीं था, वो राहील शरीफ ने इकट्ठा बैठाया, उसको शाबाश देनी चाहिए इस काम के ऊपर। जो ज़रब अर्ज था उसकी शाबाश भी राहील शरीफ को जाएगी। उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा वो आर्मी का एक्शन था, खजूरी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हो गया था तो आर्मी ने काउंटर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, और पहले हुकूमत ने यह कहा कि आर्मी को हक हासिल होगा कि उसके ऊपर एक्शन हो तो वो रिटेलिएट कर सकेगी। बाद में नेशनल एक्शन प्लान बना और ज़रब अर्ज लॉन्च हुआ, ये सारा काम स्टार्ट फौज की तरफ से शुरू हुआ था। इसी तरीके से रद्दुल फसाद का क्रेडिट हम मौजूदा आर्मी चीफ को दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल जो है वो जो बॉल है वो वज़ीर आज़म की कोर्ट में है, और वज़ीर आज़म 4 हफ्ते के बाद क्या बताएंगे, बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। मैं इनका जो कोर्ट के अंदर आज इंटरेक्शन हुआ है वो भी बताऊँगा, लेकिन हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत है अमीनुल हक साहब MQM से, तो मैं चाहूँगा प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं से करूँ, क्योंकि जॉइंट सेशन कॉल ऑफ होना ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम भाई। अमीन साहब, हमें कल अपने रिपोर्टर से, हम मुख्तलिफ लीडर्स से इनपुट ले रहे थे कि जॉइंट सेशन के अंदर क्या होगा, जबकि वोटिंग मशीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर MQM के तहफ़ुज़ात हैं, काफ लीग के तहफ़ुज़ात और खुल के तहफ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने पिछली मीटिंग में कर भी चुके थे जब वो वज़ीर आज़म से मिले थे, आप लोगों ने भी किया, आपको 2 प्रेजेंटेशन दी गई, दोनों में आपने उसके ऊपर अतम इत्मीनान का इज़हार किया।
आई वोटिंग के ऊपर, इंटरनेट वोटिंग के ऊपर जमातें दूर खड़ी थी, हुकूमत के पास बैठने पर तैयार नहीं थी। तो वो क्या बातें थी जिसकी बिना के ऊपर जॉइंट सेशन कॉल हो गया? देखिए नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि जॉइंट सेशन के हवाले से जहाँ ईवीएम थी, आई वोटिंग की मशीन थी, इसके साथ कुछ अच्छे बिल भी इसमें शामिल थे, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था, फेडरल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी बिल थे, एंटी रेप केस का बिल भी था, और साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी है जिसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान सपोर्ट भी करती है, लेकिन असल मसला कहाँ पर आके अटकता है? आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपका समा टीवी चैनल पाकिस्तान के चंद बड़े चैनल में शुमार होता है और आपकी रिपोर्टिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होती है, और आपने जो बात कही है मैं कल के हवाले से, मैं समझता हूँ बिल्कुल 100% सही और परफेक्ट बात की आपने। यस, हमारी रिजर्वेशन थी, हमें आज से दो हफ्ते पहले भी वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साहब एमकेएम के मरकज बहादराबाद तशरीफ लाए थे और ईवीएम के हवाले पे हमारे कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव ब्रीफिंग दी थी, वहां पर भी हमने चंद सवाल पूछे थे जिसके जवाब हमें मिल नहीं पाए थे। खैर, कल भी कमेटी रूम नंबर 5 पे पार्लियामेंट हाउस में दोबारा ब्रीफिंग हुई और हमने दोबारा चंद सवाल उसी सवाल को दोबारा पूछा और उसके जवाब नहीं मिल पाए। तो हमने यकीनन उस वक्त भी अर्थ किया और आज भी जब वजीर आजम साहब ने दोपहर में खाने पे बुलाया था तो हमने उनकी कोर कमेटी जो थी उनके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ अर्थ किया कि ईवीएम के हवाले से चंद सवाल ऐसे हैं जो जिसके जवाब मिल नहीं पाए और हमारी अपनी रिजर्वेशन भी है। और रिजर्वेशन क्यों है नदीम भाई? आपके लिए 2018 को मेरा ख्याल है कि जो रात को 8 केस बैठ गया था और एमकेएम को 300 वोट से लेकर 3005 ऐसी सीटें थी जो 300 से लेकर 3000 वोट तक एमकेएम को हरा दिया गया था, तो हमारी अपनी रिजर्वेशन इस पे मौजूद थी। हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि इन सवाल के जवाब क्या है, और इसके बाद हमने साथ साथ अर्ज भी ये कि बेहतर ये होगा कि अगर जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का इसको मौकर कर दिया जाए ताकि इन सवाल के हमें जवाब भी मिल जाए। इन द मीन टाइम हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि जमहूरी रवायत के अहम मुताबिक इन वो जो डेवलपमेंट पिछले 2 दिन में इस्लामाबाद में हुई है, एमकेएम अपने राबता कमेटी के साथ इसको शेयर करना चाहती थी, और मेरा ख्याल जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा था इससे मिलते जुलता पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि दूसरी जो अलाइज थी लाइक काप लीग थी और भी लोग थे उनकी भी थी। तो मैं समझता हूँ कि यस, वजीर आजम साहब ने और वफाकी हुकूमत ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, इसको मौखर किया, और मैं समझता हूँ इसके बाद हम दोबारा बैठ सकते हैं, इन चीज़ों को उन सवाल के जवाब अगर मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सर, हाथ से निकल गया ये मामला, सियासी धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग वो नहीं ला सकेंगे, बाकी बिल पास करवा सकते हैं, इन दो के ऊपर उनको ना काफ लीग से, ना एमकेएम से, ना जीडीएस से सपोर्ट नहीं मिलने वाली, ये बात तय हो गई? मेरा ख्याल है कि कोई सियासत में कोई भी बात खत्म नहीं होती है नदीम भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमेशा सियासत में गिव एंड टेक का असूल चलता रहता है, और मैं समझता हूं कि जब तक मेरा जहां तक आई वोटिंग का मामला है, इंटरनेट वोटिंग फॉर दी ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मैं समझता हूँ एमकेएम से उसके ऊपर मजबूत ख्याल रखती है और समझती है कि यस, तकरीबन 9 मिलियन के लोग जो ओवरसीज में रहते हैं और जो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के जिसे कहते हैं बादला भी भेजते हैं, डॉलर भी भेजते हैं, और उनकी वजह का माशी सूरत हाल बेहतर भी हो रही है, यस, उनको वोट का हक मिलना चाहिए, इन प्रिंसिपल भी एग्री ऑन दैट। इसी तरीके से एमकेएम पाकिस्तान एक लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव पोलिटिकल पार्टी होने के साथ क्या समझते हैं? समझते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए, हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की के मराल चलेगा, माशी तौर पर हम तरक्की करेंगे जब हम नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईवीएम के हवाले से जो सवाल थे उन सवाल के जवाब हमें मिल जाए। आई वोटिंग के ऊपर आपके तहफुजात निस्बतन कम हैं लेकिन काफली के तहफुजात आपसे बढ़कर हैं, तो जब तक वो इतिहादी साथ नहीं होंगे तो वो तो नंबर ऑफ वोट्स ही पूरे नहीं ना होते, अमीन साहब वोट भी तो पूरे करने हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, काफ लीग की रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद है, और जमहूरी तरीके का होता क्या है कि जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे चलते हैं, जब आप पार्लियामानी सर की पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या सबसे पहली चीज क्या होती है कि तमाम लोगों को शामिल किया जाता है, तमाम लोगों की बात सुनी जाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यस, जो रिजर्वेशन है उन रिजर्वेशन को दूर किया जाएगा, दूर किया करना चाहिए, और उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि ज्वाइंट सेशन का इनका दो और उसके बाद तमाम चीज़ें मजबूत तरीके से आगे बढ़े। अमीनुल हक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मामले हमारे साथ हैं, उस्मान साहब वेरी वार्म वेलकम, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से हमारे साथ हैं, ज़ुबैर साहब आपको भी खुश आमदीद। डार साहब, सियासी एतबार से कल आपको दो बिलों पे शिकस्त हुई, एक नून लीग का बिल था वो उन्होंने पास करवा लिया 117-104 से, दूसरा आपकी एक मेम्बर का बिल था उसमें आपको शिकस्त हो गई 127-91 से, उसकी काउंटिंग नहीं हुई, वो नोज़ हैबिट करके उन्होंने वो बात ख़त्म कर दी। दूसरा दिन है
जॉइंट सेशन कल उन्होंने रात को ही शाया किया, आज आपका सेशन कॉल ऑफ हो गया। देखिए ये तो अपनी एक आप परसेप्शन कह सकते हैं या देखने का अंदाज़ है। आप समझते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन पे ईवीएम्स का लाना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और इत्तेहादियों की, चले मैं बात कर लेता हूँ, वो मजीद चाह रहे हैं इस पर बातचीत होनी चाहिए। सर, जो कल शाम तक आपको पता था कि काफ लीग, एमकेएम, जीडीए आपके साथ इस पर नहीं है, आप किस चीज़ के ऊपर खेल रहे थे? जुआ तो नहीं खेला जाता सियासत में? देखे अभी कोई ये तो नहीं हुआ, आप तो तब बात करें ना जी कि हमने जॉइंट सेशन बुलाया और वहाँ हमारा ये बिल जो कल शाम को तो बुलाया आपने, आज कॉल ऑफ कर दिया दोपहर तक, तो वजीर आजम उनको यही कह रहा हूँ ना, जब हम बैठे हैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादियों को बुलाना मना खिला के और उनको कायल कर रहे थे कि जहाद है, जहाद है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, सारे मिलके हम इसको पास करवाएं, दिखाइएगा जी। इंशाल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं इसमें मैं सब कुछ चाहता हूँ कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझ लिया। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे ही वज़ीर आज़म ने जहाद के ऊपर उनको तबलीग की, उसके इजलास ख़त्म होते साथ ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीनन हदायत के ऊपर ही कर रहे होंगे, उन्होंने जहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कल कोई जहाद नहीं होगा, हम सेशन कॉल ऑफ कर रहे हैं। सर ये सियासत नहीं है? नहीं नहीं, देखे मल साहब, चूँकि मैं भी वहाँ गया हुआ था ना, मैं मौजूद था इस पे जुराने पर गए हुए थे, शाया नहीं था, आज लंच था उनके साथ। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं, आपने सुना अमीनुल हक साहब ने आपको क्लियरली कहा, वो ये तो नहीं कह रहे कि हम ईवीएम्स के साथ नहीं या हुकूमत के साथ नहीं या बिलों के साथ नहीं, हमारे कुछ सवाल पता चल जाए। नहीं देखे ना, उन्होंने कहा है कि कुछ सवाल आते हैं हमें क्लियर कर लेते हैं, या आपने क्यों नहीं क्लियर किए? उनको जवाब नहीं थे मिले हुए। अब मैं बताता हूँ ना, मुझे बात तो पूरी कर लेने, प्राइम मिनिस्टर का जो क्लिप दिखा रहे हैं और वो मैं देख रहा था, और मैं तो ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन सास बहू के खेल से बाहर ही नहीं आ रही, ट्वीट्स आना शुरू हो गए। सुन तो लेना, मुझे पूरा बोलना ना, पूरा आज बैठे हैं मल साहब आपके साथ, तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दूंगा। प्राइम मिनिस्टर रखते हैं जी, ये मैं समझ दो कल अगर जॉइंट सेशन होने जा रहा है तो उसमें ये एक जहाद की तरह हमने मिल के काम करना। जब उनकी स्पीच खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन बैठे हैं, सारे बातचीत हुई है, उसमें ये भी था, वो बात नहीं यहाँ की जा रही कि अपोजिशन को भी एक दफ़ा फिर एतमाद में लिया जाए, अपोजिशन से भी राबता किया जाए, उनको भी ऑन बोर्ड करते हैं। अपोजिशन वो चोर डाकू जिससे हाथ में लाएंगे, तो वो तो इनसे बातचीत चलती रहती है। शॉर्ट निकाले ना, वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस अपोजिशन से हाथ मिला लूँ, ये तो चोरी को हलाल करने वाली बात होगी, उस अपोजिशन से बात करेंगे, चोरों डाकू तो अपोजिशन से तो और बहुत सारे मामले, चोरों डाकू से बात करेंगे, हमारी जो कमेटीज हैं वो अपोजिशन। मैंने कम अज कम इसके ऊपर दो दर्जन प्रोग्राम करके आप लोगों से इस चले, मैं अमल साहब आपसे एंगेज कर लें, अपोजिशन बात सुने ना, मलिक साहब मुतनाजा हो जाएगा। मलिक साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, छोड़े जुबैर साहब को, जो 2018 में इलेक्शन हुए शफाफ थे, 2013 और 18 का एक ही मॉडल था, और नहीं शफाफ थे कि नहीं, एक अगर वो 2013 का शफाफ था तो 18 का भी था, और 18 का नहीं था तो 13 का भी नहीं था। या शफाफ थे या नहीं थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर 13 और 18 का एक ही मॉडल था, आपने शफाफ कहना है, आपने कहना शफाफ, मैं तो कहूंगा शफाफ थे। आप बताएं, देखें 2013 में आरएमएस बैठा था, 2018 में आरटीएस बैठा था, 2013 में आपने कहा 35 पेंचर हैं और 35 ही पेंचर 18 में। मैं पाकिस्तानियों ये तस्वर कर रहा हूँ कि नदीम मलिक कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन दांधली शुदा था, जो भी मैकेनिज्म था, जो भी इलेक्शन कराने का तरीकेकार था, वो फरसूदा निज़ाम था, वो उस पर इलेक्शन 2023 में नहीं होना चाहिए। ये एग्रीड है आप? एग्रीड है? नहीं नहीं, मैं नहीं इस पे आपकी बात नहीं, फिर यहाँ तो क्या 2018 का ठीक था, या फिर जुबैर साहब काय की तहरीके धरने सिलेक्टेड आरटीएस बैठ गया धांधली। देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कौन को कंफ्यूज कर रहे हैं मल साहब, आप लोग कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, यहाँ कौन को धांधली हुई थी, यहाँ के 2018 का निजाम ठीक था, इमरान खान गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन धांधली तीन स्टेजेस के ऊपर होती है, एक होती है प्री पोल रिगिंग, जिसके ऊपर आप इलेक्शन से पहले एक जमात को साबित करते हैं कि इसने तोहीन रिसालत की है, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, 2018 में आपने वो कैंपेन रन की थी, अभी अभी आपको उसकी सज़ा मिलते मिलते रह गई, आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें कि दोबारा ऐसी हरकत कभी ज़िंदगी सारी नहीं करेंगे। फिर वो होते हैं इलेक्टेबल्स की गेम, जो आप इलेक्टेबल्स को इलेक्शन से पहले 2002, 2008, 2013 और 2018
35 अरकान है चारों चार पार्टियों से लड़े हैं। 2018 में आपने वो इलेक्टेबल्स लिए हैं, ये प्रोसेस है, हमने इलेक्टेबल्स फिर वोटिंग डे का रोल है, लेकिन रिजेक्टेड वोट्स डबल स्टैंप होती है। देखिए लोग अपनी सियासत में वफादारी, एक सेकंड मुझे प्लीज आपने कंप्लीट करने दो, एक सेकंड, लोग सियासत में वफादारियां कंप्लीट करते हैं। आज नदीम मलिक किसी और चैनल में चला जाता है तो क्या नदीम मलिक अच्छा एंकर नहीं है? मैं या नदीम मलिक ने एंकर अपना चैनल चेंज कर लिया, लोग पार्टी बदल गए, वो पीटीआई में आ गए, मैं एक प्रोफेशनल पीटीआई में नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जुबैर साहब पहले ये कौन को बताएं कि 2018 के इंतखाबात शफाफ थे, नहीं थे, दांधली जता दे तो फिर उसी निजाम पे इलेक्शन करवा दे। अगर इमरान स्ट्रगल कर रहा है तो ये जुबैर साहब आप फरमाइए, एक पहले तो ये बता दें कि सियासी एतबार से कितना बड़ा सेटबैक है कि एक दिन तो कौमी असम्बली में दो बिलों के ऊपर वाजे शिकस्त हो जाए और रात को आप कायल करें कि सुबह इजलास में हमने बिल पास कराना है और फिर कॉल ऑफ करना पड़ जाए क्योंकि इत्तेहादी साथ छोड़ जाए। देखें अभी एक तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, अमीनुल हक साहब जो कह रहे थे, और अमीनुल हक साहब आई टी मिनिस्टर हैं इस हकूमत के, आई टी मिनिस्टर को उस सिस्टम पर भरोसा नहीं है और 3 महीने से ज़्यादा हो गए ना नदीम इसको डिस्कशन में। अगर आईटी मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट अंडर इमरान खान इज़ नॉट सेटिस्फाइड एज ऑफ टुडे, तो ये मेरा ख्याल है उस्मान डार और प्राइम मिनिस्टर और तमाम काबीना को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर या तो आईटी मिनिस्टर आपने गलत बिठाया है जिनको आईटी की समझ नहीं है, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी सिस्टम ना। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं 2018 और 2013 की, मैं उसको वजाहत कर दूं, उस्मान डार साहब अगर आप क्रिकेट आजकल T20 फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान का और इंडिया का से मैच हो, पाकिस्तान 186 बनाए और इंडिया 33 बनाए, और इंडिया वो वावेला में चाहे 33 बना के कि जी देखें हमारे 4 चौके इन्होंने अलाउ नहीं किए हैं, तो भाई सब कहेंगे यार अगर आपने 4 चौके शामिल भी कर लेते तो आपके 47 हो जाते और एक एक रन तो वैसे ही आपको मिला था तो 43 हो जाते, तो 186 कहाँ। और एक तो गैप इतना बड़ा था 2013 में कि आपकी कुछ जस्टिफिकेशन कुछ सेंस बनती ही नहीं थी धांधली धांधली का शोर में जाने के लिए। 2018 का इट वाज अ मच नैरो मार्जिन, पंजाब में वी वॉन मोर नंबर ऑफ वोट्स एंड वी वॉन मोर नंबर ऑफ सीट्स। अभी जहांगीर तरीन साहब आपके साहब का जो साथी थे उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि 18 के इलेक्शन के बाद पंजाब में सीटें नून लीग की ज़्यादा थी। सो एक तो मैच ही नहीं था 2013 में, आप कंपीट क्या कर रहे थे? तो 2013 और 2018 को मिलाना ही सेंसलेस है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। तो जुबैर साहब हाँ, अगर क्लोज मैच होता है कि पाकिस्तान की 186 के मुकाबले में कौमी असेंबली की और अब ये मुश्तरका इजलास का मौखर किया जाना है, ये हवा का बहुत बुरे दिन चल रहे हैं नदीम, आप इसको कैसा देखते? बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। आज की ये जो कैंसिलेशन है इससे पहले ही लोग जो बातें कर रहे हैं इस हकूमत के हवाले से, ये हकूमत जा चुकी है, इनफैक्ट पावर हैज स्लिप्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स, दे हैव नो कंट्रोल ना। मैं जो बेसिक बुनियादी मसाइल है पाकिस्तान से उससे तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपने आप को बिल्कुल विड्रॉ कर लिया, फिर एक शिकस्त फाश हुई, सरेंडर कर दिए, सरेंडर डॉक्यूमेंट कर दिए घुटने टेक के TLP के सामने, फिर बताया गया कि TTP के साथ बात कर रहे हैं। अब आज APS के सिलसिले में जब वज़ीर आज़म साहब को बुलाया है और APS के सिलसिले में जो लोगों के कंसर्न हैं, उन पेरेंट्स के कंसर्न हैं, तो मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कबूल किया था वो मैसेकर करने का, वो TTP ने किया था, तो FIR किसके अगेंस्ट खिटवाएंगे? उनके साथ तो इनके हाथ मिल चुके हैं, उनके साथ तो दोस्ती हो चुकी है, उनके साथ तो ये एक्सेप्ट भी कर चुके हैं वजीर आजम कि हाँ आजकल दे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ स्पेट ऑफ अटैक्स। तो ये हकूमत जो है ना इतनी नाहेल है, और सबसे ज्यादा इंडिक्टमेंट तो EVM पर अभी IT मिनिस्टर देके गए, तो उस्मान डार साहब आप हमें ना समझाएं, आप अपने IT मिनिस्टर को या तो फारिग करें कि आपको IT का टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, हम 3 महीने से शोर में चाह रहे हैं और आज आप ने कहा कि हमारे पास जवाब नहीं है। देखिए जुबैर साहब, मैं और भी अक्सर टॉक शोज में कहता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जुबैर साहब आप कंपेयर टू अपने दूसरे स्पोक्स पर्सन लॉजिकल और बेहतर बात करेंगे। हमने किसी सतह पे 2013 के इंतखाबात में मलिक साहब 4 हलके इसलिए नहीं था कहा खोलो कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम कर जाएंगे 186 और 37 की एग्जाम्पल, एक थकी हुई एग्जाम्पल दी है इन्होंने।
हमने चार हलके के थे खोलने ताकि उसके ऊपर फिर फैसले किए जाए और अगला इलेक्शन शफाफ हो इस मुल्क में, चारों खुले, जिसमें मलिक साहब मेरा एक हलका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे बैठे हैं, आज का हिस्सा है, आज भी हमारे ही हैं चारों ना बैठे यार, वो बैठे लग डिबेट है ना, 5,500 लोग ऐसे वोट डाल के गए थे सियालकोट में जिनका ताल्लुक नहीं था, वो वेरीफाइड अंगूठे जो नादरा ने किए, जो मर्जी बातें पे इलेक्शन कमीशन में जाते ना, सुन लो जरा, 50,000 अंगूठे ही नहीं पड़ेगे, कमीशन इज द फोरम भाई, 5,000 लोग खोजा के सुन ले ना, एमपी के दो के मैं सुन रहा था ना, जुबैर साहब फिर शोर ही चलेगा, जमादे जुबैर साहब मैं फिर आपको 9 बजे तक नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको बता, आप कौन है भाई, आप मेरी एक्सप्लेन करते कि आपके चार खोलने का मतलब ये है कि बाकी वो बोल रहे थे, मुझे बताने दे ना, चार हलकों में धांधली नहीं, आप मुझे ये सिर्फ जवाब दे दे कि आपके चार क्यों खोलते हैं, बाकी भी क्यों ना खोलते हैं, क्या होता है मतलब खोलने का, एक रूल है इलेक्शन कमीशन के पास, आप अर्जी लेके जाए वहां, जो हलके में धांधली निकली, उस्मान डार के हलके में धांधली निकली, इमरान खान के हलके में धांधली, अब मैं तो 2013 के इलेक्शन में ठहरिएगा, जय जाके पढ़ के आए जुबैर साहब, 416 पिटीशन थी धांधली के खिलाफ 2013 के इंतबात में, आप क्या बेचते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, आपकी खुद हुकूमत कह रही थी धांधली हो गई है, आपका लीडर नवाज शरीफ जल्द से कह रहा था, एक सवाल भाई, एक धांधली ज्यादा इलेक्शन था 2013 में, पाकिस्तान में धांधली हुई थी, मैंने ब्रेक पे जाना है, मैंने ब्रेक पे जाना है, यहाँ तो ये कह दें 2018 के डस्का में क्या हुआ, क्या हुआ डस्का में, किसने क्या किया डस्का में, मैं कहता हूँ कम से कम मल साहब पहले देखे कुछ डस्का में किसने धांधली की, बता दें किसने की, नहीं मैंने की है, आपने किया, किसने किया, क्या किया, रिपोर्ट आ गई ना पहले तो, किसका नाम आया रिपोर्ट में, किसका नाम आया, आप मुझे मुबारकबाद दे, किसका नाम है, किसका है, किसका नाम, किसका है? नाम है भाईजान, आप बताएं रेफरेंसेस हैं, बताएं ना मुझे, रिपोर्ट अभी चलाएं पूरा, वो 20 बंदे किसने गायब किए डस्का में, क्या 20 बंदे किसने गायब, किसका नाम आया है आपका, मलिक साहब बताएं किसका है, मलिक साहब खुदा का खौफ करें, बताएं किसका है, पाकिस्तानी अगर नदीम मलिक साबित कर दे समाज चैनल पे रिपोर्ट चला के उस्मान डार ने 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर असर छोड़ दूंगा, किसने गायब, और मलिक साहब जितना जुर्माना कहेंगे पे करूंगा, किसने, अब आप ब्रेक के बाद साबित करें, पहले मैंने हुआ किया रिपोर्ट, किसने किए, मलिक साहब आज नाम ले, जाने दूंगा नाम ले, आज नहीं जाने, नाम ले, किसी ने किया ही नहीं, किसने किए, हम हुआ ही नहीं हुए, ब्रेक के बाद पाकिस्तानियों तैयार रहे, मलिक साहब दिखाएंगे मैंने, उस्मान डार की मुश्किलों में इजाफा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही इलेक्शन है जिसके ऊपर रिसेंट पास्ट के अंदर एडमिशन ऑफ पाकिस्तान ने कम्प्रीहेंसिव तहकीकात करके रिपोर्ट जारी की है, और उस इलेक्शन का नतीजा ये कहता है कि पीटीआई के लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि इनकी साथी हैं उस हलके में, उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, 20 बंदे जो मुतासर किए वो मुतासरीन को मुतासर करने वाली इनकी रुकन थी, इसी तरह एक बाई इलेक्शन जीते मालाकंड से जाके, और मालाकंड वाली इलेक्शन की तहकीकात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जा रही हैं, दो उस बाई इलेक्शन के अंदर 600 के करीब पोस्टल बैलेट्स को रिक किया गया, वो पुलिस ऑफिसर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ये हाल है शफाफ इंतखाबात का अंडर पीटीआई, जिसका स्लोगन ये है कि शफाफियत लानी है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी के ऊपर जो आज सवाल जवाब हुए सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म से, उसको भी आपको तफसील भी बताएँगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म को आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म का जाने से उसकी कदर व मंजरत बढ़ती है, क्योंकि आप अदालत के सामने जब सर तस्लीम खम करते हैं तो आप छोटा नहीं पड़ते, उससे रूल ऑफ लॉ आप मानना चाहते हैं, मुल्क में उसकी हुक्मरानी चाहते हैं, उसका इजहार होता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक, वो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में एक बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजन में बाद में उसी कोर्ट ने फांसी पे लटका दिया, लेकिन आज जो सवाल जो आप था एपीएस के हवाले से था। 16 दिसंबर का वाक्य, दो नॉन ग्रुप्स के ऊपर उस वक्त की तहकीकात बताई गई थी, एक के पीछे बताया गया था कि मुल्ला फजलुल्ला और दूसरे के ऊपर बताया गया था कि तारिक गिदड़ ग्रुप के लोग हैं। बड़ी बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, मुझे मालूम नहीं है कि ये मौजूदा वज़ीर आज़म जब इंटरव्यूज देते हुए फ़ौरन मीडिया को कहते हैं कि हम तो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, उसमें कौन से तालिबान को शुमार करते हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स जिनका लिंक बनेगा एपीएस के साथ, परेड लेन के साथ, कोई दाता दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ, कोई मून मार्केट लाहौर या मीना बाज़ार जैसे हमलों के ऊपर, मैं चंद एक के नाम इसलिए लेता हूँ कि याद दहानी सिर्फ हो जाए, उसके साथ आप कहें कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग आपको खा जाएंगे, वो पूछेंगे एपीएस के, वो वालदैन के, बताएं इससे आप बात करेंगे, 150 बच्चों के कातिल से बात करेंगे,
परेड लेन बॉम्बिंग वाले आपसे पूछेंगे, वो फौज के शोधा हैं, वो 22 एफसी के जवान जो खजूरी चेक पोस्ट पे थे, वो जिनके गले काट के बाद में फुटबॉल खेले गए थे, स्वात में 3 नौजवान थे बिल्कुल, उनको मगवी बनाकर उनके गले काट दिए थे उन्होंने। मैं उनके वालदैन से मिला हुआ तो मुझे याद आता है कि उसके वालिद की या उनके वालदा की क्या सूरत हाल थी, उन नौजवान कैप्टन की या लेफ्टिनेंटों की। तो मुझे बहुत अंदर एक चीज़ है जो मुझे उस दर्द का, तकलीफ़ का एहसास होता है। तो ये जो बातचीत कर रहे हैं उनके भी दिलों में यकीनन उस तकलीफ़ का एहसास होता होगा, वो मेरे से ज़्यादा उस तकलीफ़ को महसूस भी कर सकते हैं, उस दर्द को, उन लोगों से भी मेरे से बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन रियासत को फ़ैसला करना है कि क्या हमने इनके आगे सरेंडर करना है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से उधार लेके वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, या हमने इससे आगे निकलना है। एक 40 साल 50 साल एक पॉलिसी के ऊपर हम चल रहे हैं, जो जनरल ज़िया की गलतियाँ थीं, लाजमी है आज हम दोबारा उन गलतियों को दोहराएं। जो पिछली हुकूमतों ने मिस्टेक्स की थी, क्या ज़रूरी है कि हम फिर दोहराएं? अगर माजी के धरनों के लिए हमने किसी तंजीम को इस्तेमाल किया था, ज़रूरी है कि आज फिर उसको ब्रुए कार लाएं? इन सवालों का हमें जवाब लेना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान को हम आगे नहीं चला सकते। इस पाकिस्तान में मेरे और आपके बच्चों ने सांस लेना, उसके लिए महफूज जगह ये बनानी मेरा और आपका और हम सब का फ़र्ज़ है, रियासत के तमाम इदारों का। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नाकाम हुए तो कलेक्टिव फेलियर होगा, वज़ीर आज़म का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, मेरा भी और आपका भी। आवाज़ ना उठाई तो फिर बुजदली है, और बुजदली की सज़ा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल उठाए हैं, सिर्फ एक दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बाद में इसका राह निकाले, हल दिखाए। आसिफ खोसा साहब ने आर्मी चीफ एक्सटेंशन के ऊपर इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पास किए थे कि मुझे लगता था कि कल तो पाकिस्तान में इंकलाब ही आ जाना है। उसके बाद आखिरी रात वो ऑर्डर पास करके चले गए, और फिर वहीं पे हम खड़े हैं। जब आप एक इशू को टेकअप कर लें ना, तो फिर उसको कंक्लूजन पे पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जस्टिस गुलजार साहब, आपने जिस मामले को पकड़ा है, बहुत बड़ी नोबल कॉज है, लेकिन अब इसको कंक्लूड करिएगा। दरमियान में छोड़ेंगे तो ज़िम्मेदारी भी आपके कंधों पर, किसी और के कंधों के ऊपर नहीं होगी। जो सवाल जवाब है वो आपकी तरफ आता हूँ, उसकी तरफ दिखाता हूँ। सवाल जो आप वज़ीर आज़म से होता है जी, कि सानिहा APS के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, जो मुमकिन इकदाम हो सकते थे हमने किए। मैंने कहा था कि अमेरिका की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तक किसको पकड़ा? अगर कोई अहम कदम उठाया तो अदालत को बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट। जब ये वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा और वालदैन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये धरना कर रहे थे या डी चौक में बैठे हुए थे। जब ये वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा और वालदैन से मुलाकात की। वालदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है, वालदैन चाहते हैं उस वक्त के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई हो, कोर्ट कह रही है। और कोर्ट अपने गुज़श्ता ऑर्डर में लोगों के नाम बता चुकी है कि जनरल राहील शरीफ, चौधरी निसार, परवेज़ खटक, जनरल हदायतुर रहमान, जनरल धीरुल इस्लाम और सेक्रेटरी दाखिला उस वक्त अख्तर अली शाह, इसके ऊपर तहकीकात करके बताया जाए कि किसका क्या रोल है। सानिया से मुतलक सूबाई हुकूमत जो भी मदावा कर सकती थी वो किया, वज़ीर आज़म कहते हैं। शहीद बच्चों के वालदैन सवाल करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था? हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस सानिये के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती वज़ीर आज़म। ये वो प्लान है जिसका मैं क्रेडिट कहता हूँ कि जनरल राहील को जाता है, क्योंकि ये आपस में सियासी कुव्वतें जिनका काम है इस काम के लिए मुंतखब होते हैं, इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है, उस वक्त भी ये तैयार नहीं थे। तो वो राहील शरीफ ने बिठाया था इन्हें। रियासत ने बच्चों के वालदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। मैं उस वक्त हुकूमत में नहीं था, वज़ीर आज़म का जवाब। अब आप इकतदार में मुजरमों को कटहरे में लाने के लिए क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, क्या अब आप क्या कर रहे हैं? 3 साल से तो आपकी हुकूमत है। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं है। ये बाद में वज़ीर आज़म से फिर जुमला भी मंसूब हुआ कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हुक्म दें हम एक्शन लेंगे। आप तो इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आगे से, आप तो इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या हम फिर मुज़ाकरात करके सरेंडर कर रहे हैं? अब वज़ीर आज़म को ये बताना पड़ेगा, या अदालत के सामने या पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, कि TTP के साथ, TLP के साथ, क्योंकि मैंने ये खबर में पढ़ा कि उन्होंने पूछा साधो की में तो 9 पुलिस वाले शहीद हुए थे, वो बताएं। उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने आगे जवाब नहीं दिया। मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ, वज़ीर आज़म ने कहा। हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। इतने साल गुजरने के बावजूद मुजरमों को सराह क्यों नहीं लगाया गया? कोई जो लोग डिटरमिन हुए थे उसमें से 5 को सजाए मौत हो चुकी है, 1 की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने, रिव्यू पटिशन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को भी तो चाहिए, अगर तो मासूम है तो उसको बरी कर दे, अगर कसूरवार है तो सजा दे, किसी तरफ तो लगाएं ना, दरमियान में मत डालें। और बाकी ये जिन 2 ग्रुप्स का नाम आया है, उन 2 ग्रुप्स के साथ अगर बातचीत हो रही है तो वज़ीर आज़म को लब कुशाई करनी पड़ेगी, या कोर्ट में या पार्लियामेंट में, कि क्या ये लोग मुलव्वस थे तो आप उनके साथ किस चीज़ की डील कर रहे हैं? कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। 4 हफ्तों में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए, वज़ीर आज़म को
ये हुक्म दिया गया। ज़ुबैर साहब, ये APS वाला मामला और आज सुप्रीम कोर्ट में तलबी और जो वहाँ पे सवाल जवाब हुए, इसके ऊपर आपकी क्या राय? एक तो मैं नदीम माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आपने ओपनिंग में भी और अब उसका दोबारा जिक्र आया था, मैं बहस नहीं करूँगा लेकिन मैं सिर्फ एक कमेंट करूँगा। देखें, ये कहना कि जी ये जनरल राहिल शरीफ, बिल्कुल सर आंखों पर उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये 2007 2006 वगैरह में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। 2009 में GHQ पर अटैक हो चुका था, 2010 2011 2012 वो तबाही मची थी, तो आर्मी ऑपरेशन हो सकता था। व्हाट वाज अवेटिंग दैट? कराची का भी दहशतगर्दी जो हो रही थी उसका भी इंतज़ार किस चीज़ का था? तो ये कहना कि जी ये हुकूमत का नवाज शरीफ को जनरल राहिल शरीफ ने बताया था, तो फिर अगर जनरल राहिल शरीफ ने अगर किया था तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर आप इल्ज़ाम ये भी लगाएं कि उससे पहले जनरल कियानी थे और उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि हम अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। जनरल कियानी ने ऑपरेशन किए, रास्ता उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो नॉर्थ वजीरिस्तान तक जा नहीं सके। आपने नवाज शरीफ की हुकूमत ने पीस कमेटीज बनाई थी नेगोशिएशंस के लिए तालिबान के साथ, अपनी नहीं, वो हमने बिल्कुल क्लियर मैंडेट दिया था, और खजूरी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हो गया था और उसके जवाब के ऊपर आर्मी ने स्ट्राइक शुरू कर दी थी। ये पूरा एपिसोड है मेरे सामने। नहीं नहीं नदीम, खैर इस पे वक्त निकल जाएगा, आगे आ जाते हैं। नहीं नहीं आगे नहीं आ जाते ना, जब APS हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में बैठे थे, उसको छोड़ के वो तकरीबन 1:30-2 बजे पिशावर निकल गए थे और वहाँ पिशावर पहुँच गए थे। ही इट वाज हिज इनिशिएटिव। 16 दिसंबर को ये हुआ था, 24 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान एग्री हुआ था, उसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थी और उसमें क्रेडिट सबको मिलना चाहिए और इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। उन्होंने फॉर वॉट एवर रीज़न धरना कॉल ऑफ किया था, तो लेट्स गिव एवरी वन द क्रेडिट। यू कांट से कि जी सबको कान पकड़ के बिठा दिया था, दैट्स प्रिटी अनफेयर। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल बहुत सीरियस मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, और इसका इसलिए ये ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि आजकल बताया ये गया कि जी TTP से बातचीत हो रही है, और बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने ये एक्सेप्ट किया कि TTP अब भी हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक कर रही है, जिसको उन्होंने कहा स्पेट ऑफ अटैक्स। आखिर मतलब स्पेट ऑफ अटैक्स, हाउ कैन द स्टेट एक्सेप्ट स्पेट ऑफ अटैक्स फ्रॉम अ दहशतगर्द तंजीम और फिर उन्हीं के साथ नेगोशिएशंस शुरू करें। मैंने कल भी कहा था इस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, परसों भी कहा था कि क्या TTP ने कोई रिमोर्स शो किया है? क्या हमारे पास एक कोई एक बयान है कि जो हुआ वो गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए? मैं ड्रोन अटैक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ड्रोन अटैक्स गलत थे, बट उसके उसके अम्ब्रेला में आप दहशतगर्दी को नहीं जस्टिफाई कर सकते, किसी तरह से भी दहशतगर्दी को नहीं जस्टिफाई कर सकते। अगर दहशतगर्दी को आप जस्टिफाई करते हैं तो फिर तो बहुत सी चीज़ें जो पुलिस की तरफ से ज़्यादती होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हुकूमतों की तरफ से ज़्यादती होती हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जी दहशतगर्दी शुरू कर दी जाए? और इस किस्म की दहशतगर्दी जो आपने खुद इंसिडेंट्स बताए थे, हुकूमत के लिए ये जो 4 हफ्ते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं। एक तो TTP के साथ बातचीत के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में वापस आके जवाबदेही के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान को पता नहीं याद है या नहीं याद है कि प्रोविंशियल हुकूमत इनकी अपनी थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या तहकीकात की? अगर कोई की थी तो जाके सुप्रीम कोर्ट में दे दें। आप जवाब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे उस्मान डार साहब से भी जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक डार साहब, आप फरमाएगा APS अटैक के ऊपर जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपके पास ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है? 4 हफ्ते की जो हमने मोहलत मांगी है वो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मलिक साहब APS इंतहाई दर्दनाक कौमी एक सानिया था, और मैं समझता हूँ कि खैर ज़ुबैर साहब ने भी जैसे बात की, हमें इस पे ऊपर कोई उस तरह सियासत की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कोई भी जमात हो या कोई भी पाकिस्तानी हो या आप हैं मैं हूँ, जो वो एक दर्दनाक मनाजर थे और उस सब को देखने के बाद कोई भी सोचे कि शायद मुझे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, जो भी ज़िम्मेदारान थे। और आपने अच्छा किया, बड़ा ज़बरदस्त आपने तजिया रखा अपने सवालात का, जवाबात का, किसको सज़ा हो चुकी है, कुछ मारे गए थे,
और दूसरा ये जो आपने कहा अपील की है, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब को, कि इन चीज़ों को देखें और जो इश्यूज टेक अप किए जाते हैं तक पहुँचाएं, तक पहुँचाएं। बुनियादी तौर पे मलसा पाकिस्तान का बुनियादी मसला ही है हमारा, डंग टपाओ काम, नज़रिया ज़रूरत, मसलतों के तहत दारे चल रहे हैं जी, ये चला दें वो चला दें, इस तरह नहीं करें। और कई एक तरफ तो हमें शुरू करना ही है ना मलसा, और मैं समझता हूँ ये भी बड़ा खुशायन है, मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है, आज मेरे लीडर ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कम अज़ कम ये भी नज़र आ रहा है, दारों का एहतराम करते हैं। ये नहीं कहे कि जी मियां नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी, ये उस वक्त के वज़ीर आज़म के वक्त हुआ, वो गए हैं और हमने जाकर ओनरशिप ली है, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं आपको बता सकते या बताएँगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपके व्यूअर सुन रहे हैं, हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ और इंशाल्लाह ताला संजीदगी के साथ एक मिनट है, तो ज़ुबैर साहब एक मिनट है सिर्फ, तो आप अगर मुझे ये बता दें कि ये जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं इसके ऊपर कोई मुश्तरका इजलास कर लें या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। माजरे से मैं एक पॉलिसी स्टेटमेंट कहना भूल गया था, मलिक साहब इन्होंने उठाया था कि इन्हीं जहादी तंजीमों के साथ मुआहदे की बात कही, मलिक साहब पाकिस्तानी सुन रहे हैं, कोई भी डायलॉग, कोई भी ऐसी बातचीत पाकिस्तान के आइन और कानून के बाहर रह के नहीं होगी। जी जुबैर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। कहना आसान होता है, आइन और टीएलपी का जो मुआहदा है वो आइन और कानून के बाहर है बिल्कुल। ये कहना कि जी पुलिस वालों को मार के आप फैसले कर लें तो वो आइन और कानून के मुताबिक है, ये कहना कि जी वज़ीर दाखिला को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बाहर निकाल के उनकी शर्त पर कि जी वो नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होंगे वज़ीर दाखिला, तो वो आइन और कानून के मुताबिक कैसे हो सकता है? और ये अगर कहें कि जी हुकूमत ने आपने पहले ये कहा कि जी इंडियन फंडेड है, इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप मुआहदा कर रहे हैं तो वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होता, उस्मान डार साहब ये बिल्कुल क्लियर है, या तो आप ये कहें कि वो गलत कह रहे थे जो आपके वज़ीर दाखला थे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और वो गलत कह रहे थे कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको अब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो 35 लाख उनको सपोर्ट किए गए पिछले धरने में, रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो कहा गया वहां से सपोर्ट हासिल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उस्मान साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।